उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो अभी जो फेब्रुआरी महीना चल रहा है, बहुत अच्छा सा मौसम है। हमारे प्लांट में कोई भी काम करना है, चाहे कटिंग करनी हो, पिंचिंग करनी हो, खाद देनी हो, और कटिंग से हमें प्लांट ग्रो करना है, तो इसी मौसम में। अभी बसंत ऋतु चल रही है, नहीं ठंडी है, नहीं गर्मी है, बहुत खुशनुमा वातावरण है। तो और अभी गर्मी कम है, तो हम जो भी प्लांट की कटिंग अच्छे से लगाएंगे, सीख जाएंगे कैसे कटिंग लगानी है। तो हमें हमारे घर के लिए जो गार्डन बनाना है, तो हमें फ्री में बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। नहीं हमें नर्सरी जाने की ज़रूरत है और नहीं पैसे खरीद के प्लांट लेने की। तो आपको कहीं से भी आसपास में, अपने पास नेबर में है किसी को जो गार्डन का शौक है, जैसे हमारे मेरे घर में, तो आप ऐसे ऐसे प्लांट की छोटी छोटी भी कटिंग लेके आ जाओगे और मैं आपको बताऊंगी कैसे ग्रो करना है और कौन से प्लांट है। आप आज मैं आपको 10 से 12 ऐसे कुछ प्लांट बताऊंगी कि छोटे से छोटी आ जाओगे तो भी आपका गार्डन में बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा प्लांट है ये, आप देख सकते हो, ऑफिस टाइम 9 o'clock, 10 o'clock जो भी बोले, इसकी आप एक छोटी सी स्टेम ले लो। काल देखो मैंने यहाँ रखा था, पूरा मेरा गमला भरा हुआ था, और मैं जैसे ही घर में गई एक आधा घंटे के पहले, तो मैं यहाँ ऊपर रखा था, यहाँ ऊपर। तो कोई लेडी आके सारे इतने सारे प्लांट मेरे तोड़ के चली गई। तो आज एक ऐसा ही प्लांट है, मैं आपको दिखाऊँ कि छोटी से छोटी कटिंग आप इसकी ले लोगे, थोड़ी सी हेल्दी कटिंग होनी चाहिए। देखो ये वाली, बस आप ऐसा करने का है, नीचे से ये सारी इसकी पत्तियाँ तोड़ देनी है। वैसे तो ये एक डंडी से भी तैयार हो जाने वाला प्लांट है, बस ऐसे ही लगा दो। देखो यहाँ जब भी जो मौसम आएगी अभी, तो बहुत ढेर सारे इसमें फूल आने लगेगा, और आप देखो इतना बड़ा फूल आता है, और इसकी ये कली भी देखो। तो ऐसे ही मैंने यहाँ लगाई है, देखो थोड़े टाइम पहले मैंने लगाई है, तो आप देख सकते हो, देखो इसमें नई फुटाव भी आ गई है और मेरा प्लांट एक तैयार हो गया है। तो एक प्लांट ए हो गया। दूसरा प्लांट मैं बताती हूँ आपको, वेंडरिंग जुई। तो वेंडरिंग जुई भी एक ऐसा प्लांट है, एक छोटी सी आप इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैं आपको दिखाऊँ कैसे लगाना है, बस आप इतना है, इतना सा भी एक प्लांट के भी तोड़ डालो, इतना सा भी आपको एक डंडी कहीं से भी मिल जाए, आप लेके आ जाओ और ऐसे ही जमीन में गाड़ दो। तो मैंने आपको दिखाती हूँ यहाँ कि देखो, मैंने अकेले पानी में लगाया है, एक छोटी सी बोतल है, पानी भी चेंज नहीं करती हूँ, और आप देख सकते हो कि देखो इसमें कितनी सारी जड़ आ गई है। तो एक ऐसा प्लांट है, इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप पहले पानी में लगा दो, पानी में नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप मिट्टी में भी लगा दोगे तो भी चलेगा, एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाना। तीसरा प्लांट इसके जैसा ही है, वो है हार्ट पर्पल। हार्ट पर्पल भी एक ऐसा प्लांट है, आप कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐसे ही गाड़ दो। बस देखो देखो, मैंने यहाँ नहीं कोई ऐसी मिट्टी बनाई है, कोई ऐसा बहुत छोटा सा मेरा गमला है, यहाँ भी मेरे बहुत सारे लगे हुए आप देख सकते हो। तो इसमें से भी आप यहाँ ऐसे ही कोई एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ, यह मिट्टी में गाड़ दो, कोई ऐसी मिट्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। और मैं बताऊँ आपको, तो देखो तुरंत इसमें रूट्स आ जाती है, देखो तो बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। तो आप ज़रूर से लाके, कहीं से भी आप लाके लगा दो। चौथा प्लांट है मेरा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, देखो पहले मैंने पानी में लगा के रखा, एक छोटी सी कटिंग है, एक ही पत्ती से ग्रो होने वाला एक प्लांट है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है। एक पत्ती से मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप ऐसी अकेली एक पत्ती लगा दो, पर इसके साथ आप देख सकते हो हर एक नोड एरिया पे यहाँ जड़ होती है। तो बस आप एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ, यहाँ ऐसे इजीली मिट्टी में लगा दो, बस इसकी जो नोड एरिया है वो मिट्टी में जाना चाहिए, नहीं तो आपकी ये मनी प्लांट, सब बोलते हैं मुझे तो चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। तो एक मनी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला
प्लांट है। इसके बाद आता है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन तो एक ऐसा प्लांट है, फेंको और ग्रो करो, कोई इसको मिट्टी की खाद की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक छोटी सी कटिंग लेके इसके ऊपर भी रख दोगे ना ऐसे ही, तो अभी इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके जैसा ही एक प्लांट एक और है टर्टल, हाँ टर्टल वाइन, क्योंकि इसकी पत्तियाँ देखो, इसकी और इसकी पत्तियों में काफ़ी फ़र्क है। उसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत दिखती है और हैंगिंग बास्केट में भी खूबसूरत दिखने वाला। उसको भी एक आप ऐसे ऐसे ही कहीं से भी ला के एक छोटी सी पत ऐसे ही रख देना है बस, और गाड़ देना। इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लांट बताए थे मनी प्लांट के साथ साथ। इसके बाद आता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, इजीली एक ही आप पत्ती लगा दो, एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हो मैंने एक पत्ती लगाई है, इसमें से नई नई छिटा शुरू हो गई है। तो आप कहीं से भी एक पत्ती मिल जाए वो ला के रख दो मेरे पास यहाँ, देखो चाहे कोई भी वेराइटी हो, बड़ी वाली हो या छोटी वाली। यहाँ मेरा स्नेक प्लांट का कॉर्नर है, यहाँ पे देखो मैंने एक और में लगाई है, एक ही पत्ती लगा के छोड़ दी है। तो ये भी एक इजीली एक पत्ती से ग्रो होने वाला, कटिंग से ग्रो होने वाला बहुत ही बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसके बाद आता है ये देखो चैन प्लांट। चैन प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, आप छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ, यहाँ मैंने लगा के रखी है, देखो यहाँ देखो मैंने लगा के रखी है, इसमें ऑलरेडी रूट्स बन गई है। एक छोटा सा ऐसा बेबी प्लांट लेके आ जाओ तो आपको ये भी इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके बाद है ये रोहो प्लांट। रोहो प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, इसको डिवाइड करके एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ, मैं दिखाऊँ आपको कैसा करना है। बस इसकी ये पत्तियाँ नीचे वाली हटा देनी है, और ऐसे एक नोड एरिया जो होता है उसका, ये नोड एरिया एक पत्ती हटाई वो हमें ज़मीन में गाड़ देना है ऐसे करके। तो वो भी एक ऐसा प्लांट है, इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी जेड प्लांट। जेड प्लांट बेस्ट प्लांट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है, लकी प्लांट है। तो मैंने देखो ये भी मेरा कितना छोटा सा गमला है, ये भी देखो मेरा कितना छोटा सा गमला है। मैं आज आपको कटिंग कैसे, छोटी छोटी कटिंग कैसे लगाते हैं जेड प्लांट की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मेरा ये जेड प्लांट है, मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे जेड प्लांट है, देखो ये और एक बड़ा सा भी प्लांट है। तो ये मेरा जेड प्लांट है, देखो आप एक छोटी सी मैंने जहाँ मैं पिंचिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ, बस ऐसे ही मैं लेके इसके नीचे के दो पत्ते निकाल दूँ। ये पर गिर गया ये, और ये दो पत्ते नीचे के निकालने के बाद मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही इसमें रख देती हूँ, बस ऐसे ही रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी कटिंग है यहाँ, तो देखो एक छोटी सी कटिंग है इसमें जड़ आ गई है। तो इजीली एक छोटी सी कटिंग से ग्रो होने वाला ये जेड प्लांट, सूप प्लांट भी माना जाता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। वैसे तो ये बहुत महंगा मिलता है, तो आप कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग, एक इंच की कटिंग लाके भी लगा दो तो भी हो जाएगा। इसके बाद है मेरा ये बेबी सनरोज। देखो मुझे कहीं से भी एक छोटा सा प्लांट मिला था, मैंने लगाया, इसमें ग्रो भी हो गया है अब देखो, और ऊपर से भी ये देखो ये सारी जो नई ऊपर वाली चार पत्तियां है वो नई आई है। तो ये बेबी सनरोज का एक प्लांट है, मैं इतनी कितनी छोटी सी कटिंग लेके आ गई थी देखो, वो भी बेबी सनरोज भी एक छोटी सी कटिंग से, इसमें पिंक कलर का बहुत छोटा सा सुंदर फूल आता है, बेबी सनरोज उसको बोलते हैं। तो ये भी एक प्लांट है कि छोटी सी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके बाद है ये मेरा गुलदावरी का प्लांट, बहुत छोटे छोटे इसमें फूल आते हैं, बेबी प्लांट जैसे है बेबी फूल, ऐसा ही मेटा बेबी सनरोज के जैसा ही छोटा सा फूल आता है पिंक कलर का। तो देखो मैंने यहाँ से सारी कटिंग कर दी है, और एक कटिंग मैंने इसमें लगाई है, आप देख सकते हो, और यहाँ भी मैंने कुछ लगाई थी, तो इसमें भी देखो नई इसमें भी सूट हो गई है, यहाँ भी देखो, और ये मैंने एक डाली लगाई थी ये भी मेरी लग गई है। यह
यहाँ देखो देखो इसमें जड़ आ गई है। तो ये भी एक इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, कहीं से भी आप छोटी सी कटिंग लगाओ वो भी आपकी लग जाएगी। इसके बाद है ये मेरा कैक्टस का प्लांट, एक बार मैंने बताया था इसमें भी बहुत अच्छे से फूल आता है। ये एक छोटी सी कटिंग लाके आप बस इसको ऐसे ही रख देना है, देखो ये कितने अच्छे से जड़ आ गई है। कहीं से भी आप छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ, यहाँ बस खाली इसमें आप गाड़ दोगे ना तो अभी वो अच्छे से ग्रो होने वाला एक प्लांट है। इसके बाद है जीजी प्लांट, जीजी प्लांट भी आप बहुत महंगा आता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, वो भी एक इजीली एक पत्ती से और कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप कहीं से भी एक छोटी सी इतनी कटिंग लेके आ जाओ, अकेली सैंड में लगा दो तो इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला ये भी प्लांट है। आज मैंने आपको ऐसे काफ़ी प्लांट बता दिए कि जो ये सारे मैंने कि वो इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला है। आप जब भी लगाओ तो खास ऐसा रखना कि मिट्टी कम रखने की, सैंड इसमें ज़्यादा रखो, तो आपको सारे प्लांट ऐसे प्लांट हैं कि इजीली कटिंग से ग्रो हो जाएगा और आपका गार्डन ऐसे ही फ्री में बड़ा हो जाएगा। इसके लास्ट में और मैं एक बताना चाहती हूँ, ये मेरे पिंक लेडी एप्पल है जो मैंने सीड से ग्रो किया है। मैं काफ़ी काफ़ी मैं बताती हूँ, जो मेरा वीडियो लास्ट तक देखेगा वो कमेंट करना और बताना। ये देखो मेरा एप्पल का प्लांट है और ये मैंने मौसम्बी, संतरा भी नहीं है मौसम्बी, मिट्टी मौसम्बी आती है छोटी सी इम्पोर्टेड, उसके दाने मैंने मतलब सीड्स डाले थे बहुत सारे, मैंने डाल के रखे हैं अभी भी देखो। तो ये मैंने एप्पल और ऑरेंज दोनों एक साथ मैंने ग्रो किया है सीड से। तो बस आज का वीडियो मेरा ही कटिंग से ग्रो करके अपने गार्डन को कैसे फ्री में तैयार करें। तो चलो फिर से कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।